फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए पार्लर। आज जा रही हूँ पार्लर क्योंकि हम कहीं कहीं पे जाएंगे आगे। वैकेशन हो गया ना थोड़ा सा, तो जाएंगे, कुछ काम है तो वो सब मैं दिखाऊंगी आपको। तो आज मॉर्निंग में एक चीज आया है, ये वाला क्या है ये मैं बताऊंगी आपको। एक चीज है, 2005 में मैं कटक में रह के पढ़ती थी, उस टाइम पे वहाँ पे जो चीज़ मिलता है ना वो यहाँ पे नहीं मिलता, या बलांगीर में भी नहीं मिलता, वो है छेना का बॉल। वो वाला बॉल शॉप में मिलता है, आप घर में लाके उसको सब्जी बना सकते हो। और वो चीज़ मैं खाई थी इजी के बेटी की बर्थडे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उस दिन मैं बोली, मैं अभिनव से पूछी, यानी कि इजी के हस्बैंड, तो उससे पूछी कि कहाँ से मंगवाया, तो वो लोग कटक भुवनेश्वर से लाए थे, वहाँ से मंगवाया था वो स्पेशली वो उसके लिए। तो मैंने उससे कहा था कि अगर तुम कभी जाओगे ना तो मेरे लिए वो लाना। तो वो आज, वो है कटक में काम है उसका, तो वहाँ से वो लाया है ये वाला बॉल। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दिख रहा है। तो मैं उसको बोली थी 1 किलो भेज देना, और ये मेरा है फेवरेट। जब मैं कटक में रहती थी, पढ़ाई करती थी 2004-05 में, उस टाइम पे थ्री फोर फाइव में, उस टाइम पे मेरे जो बड़े मम्मी हैं, मतलब पापा के बड़े भाई की वाइफ, मतलब बड़े पापा बड़े मम्मी, उनके साथ मैं रहती थी वहाँ पे तुलसीपुर, कटक तुलसीपुर में। तो वो ना हमेशा ये वाला, मतलब बहुत, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, वो मेरे बर्थडे में बना देती थी, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। और ये सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मुझे पनीर उतना पसंद नहीं, लेकिन छेने के बॉल का जो सब्जी रहता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो आज वो ला दिया है, तो वो मेमोरी सब मुझे याद आ गया, वहाँ पे हम लोग कैसे खाते थे, कैसे सब्जी बनाते थे, वो सब चीज़ें मुझे याद आ गया उस दिन। ऐसे होता है ना, आपके साथ भी होता होगा। तो वो आ गया है छेने का बॉल। जब ये सब्जी बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ ये कैसे दिखता है। ठीक है, ये एक्चुअली प्योर छेने से बना हुआ होता है, उसको बहुत अच्छे से पेस्ट पूरा कर करके घिस घिस के बॉल टाइप का बना के उसको तेल में छन देते हैं या फिर घी में। ये वाला जो भेजा है अभिनव ने, प्योर घी से बना है, ये प्योर घी में तला हुआ है, तो बहुत बहुत ही अच्छा तो दिख रहा है। तो जब सब्जी बनाऊंगी मैं फिर दिखाऊंगी। आज है फ्राइडे, तो हम बनाएंगे इसको सैटरडे में। फ्राइडे आज थोड़ा सा घर में होता है नॉनवेज, तो इसीलिए इसको नहीं बनाएंगे, तो इसको रख दिए हैं, सैटरडे को बनाएंगे। मैं इसको दिखाती हूँ अभी आपको, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो छेने का जो बॉल ही बोलेंगे ना, बॉल टाइप का है, छेना जो रहता है ना उसको अच्छे से गोल गोल टाइप का बनाते हैं, पीस के पूरा, जैसे रसगुल्ला बनाते हैं वैसे करके इसको तेल में या फिर घी में तल देते हैं, तो ये ऐसे ही बन जाता है। ये देखिए पूरा इतना सारा भेजा है, तो वही मैं पकड़ के फ़ोटो उठाई थी। और ये बन गया उसका सब्जी, जिसमें मटर डाल के बनाए हैं, मटर आलू भी डाल सकते हो आप। और ये मटर देखिए उसके अंदर कितना फ्लफी, एकदम खाली रसगुल्ले जैसे पूरा है छेने का सब्जी, बहुत टेस्टी, यम्मी। थैंक यू सो मच अभिनव कि तुमने इसको भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अगेन थैंक यू। और ये देखिए, ये हम आके पहुंच गए हैं पार्लर। जैसे मैं बताई थी मैं थोड़ा पार्लर जा रही हूँ, दीदी बैठी है, हम सुबह सुबह ही आ गए थे, करीब 10:30-11 बजे पार्लर पूरा खाली था, और यहाँ पे ना सीरियल चल रहा था, टीवी सीरियल चल रहा था, वो सब देख रहे थे बैठ के, सारे के सारे गर्ल्स लोग मतलब बैठे हैं, रेडी हो रहे हैं सब कोई। अभी सर्दियों का दिन स्टार्ट हो गया ना, इसीलिए जल्दी जल्दी कोई भी नहीं आ रहा है, करीब 11 बजे के बाद ही सब कोई आ रहे हैं। और ये देखिए पार्लर में क्या क्या सामान है, आज मैं अच्छे से वीडियो बना रही हूँ पार्लर का। देखिए सुजाता स्पा ये वाला है पार्लर, आप लोग तो देखे होंगे बहुत जन, और ये मेन रोड के ऊपर है, किलर शोरूम जहाँ पे उसके सामने ही है। देखिए सब सामान मैं दिखा रही हूँ, सारा लुक आप एक लुक देख लीजिए, यहाँ पे भी बहुत सारा पार्लर का सामान है, चारों तरफ सामान ही सामान है। और देखिए ये यहाँ पे ना बॉडी मसाज भी होता है, ये वाला थेरेपी भी होता है अगर आप करना चाहो। यहाँ पे हेयर वॉश के लिए जगह है, शैम्पू सब है, यहाँ पे पेडिक्योर मैनिक्योर का जगह है, और ये अंदर एक रूम है, ये वाला फेशियल के लिए रूम है। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स रूम भी है, सारा का सारा रूम ये वाला है। तो मैं अंदर आई थी ये वाला शूट करने के लिए, आपको दिखाऊँगी बोल के। तो देखिए बाहर ये वाला मैं जैसे दिखाई आपको शैम्पू करने के लिए, देखिए चलिए फिर बाहर चलते हैं, बाहर कुछ काम स्टार्ट करेंगे। दीदी बैठी है, मैं शूट कर रही थी, अभी आपको मैं टाइम दिखाऊंगी। देखिए मैं जैसे बोली हम लोग 11 बजे आए, मैंने झूठ नहीं बोला, देखिए अभी 11:15 ही हुआ है, और 11:15 मतलब आने का हम लोग का 15 मिनट हो गया है।
और ये देखिए मेरा अभी आईब्रो शेप करेंगे, उसके बाद फेशियल। तो फेशियल का मैं शूट नहीं की, बहुत बार कर चुकी हूँ, इसीलिए आज और एक चीज़ दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये मेरे हेयर में एक क्रीम लगाया जा रहा है, तो ये कर रहे मेरे हेयर स्पा, बालों का जो स्पा करते हैं उसको अच्छे से क्रीम लगा के मसाज करते हैं, उसके बाद उसमें स्टीम देते हैं। क्या क्या करते हैं मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए बालों को ऐसे सेपरेट सेपरेट करके थोड़ा थोड़ा लेके वो क्रीम लगाते हैं ब्रश से, उसके बाद उसको अच्छे से मसाज करेंगे। मतलब वैसे देखिए ये जैसे कर रहे हैं ना वैसे करके किया जाता है, जो बालों बाल जो हम लोग का जो हेयर होता है ना वो रफ़ हो जाता है, तो स्पा करने से वो एक सॉफ्टनेस आ जाता है बालों में और बाल झड़ना भी थोड़ा सा कम ही हो जाता है। देखिए मेरा बाल कितना पतला हो गया है, वो लोग भी बोल रहे थे कि आपका बाल दीदी बहुत पतला हो गया है। और ये है वो स्टीम मशीन जो हेयर में देते हैं, बहुत लोग देखे होंगे, तो ये अब नया लाए हैं, उनका पुराना वाला तो है और एक लाए हैं। ये मेरे हेयर का मसाज हो रहा है, क्रीम चारों तरफ अच्छे से लगा चुकी हूँ और ये मसाज कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों बाद हेयर स्पा कर रही हूँ, मुझे मौसी बोली थी बाल इतना झड़ रहा है तो बीच बीच में मतलब मंथ में एक बार हेयर स्पा कर लेना। और ये देखिए ये है वो स्टीम मशीन, गरम गरम हवा भी निकल रहा है, तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, पर ज़्यादा देरी रहेगा ना तो सर बहुत जला, तो मैं निकाल दी। उसके बाद ये फिर शैम्पू करके मेरे बाल ड्राई कर रहे हैं। ड्राई करने के बाद और एक चीज़ आज मैं ट्राई करने वाली हूँ, एक बार की थी लेकिन वो जोड़े बनाने के लिए, पर आज मैं जो ट्राई करूँगी बालों को बस ऐसे ही खुला रखने के लिए। तो ये देखिए मेरे बाल को अभी ड्राई कर रहे हैं, वो बोले कि ऐसे गीले बालों में नहीं होता है, वो ड्राई करने के बाद होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा ड्राई कर दिए। ये देखिए मेरे सारा का सारा बाल जो ड्राई हो गया है, अभी वो वाला करेंगे, वो है क्रिम्पिंग। तो क्रिम्पिंग के लिए देखिए मुझे दो चोटी बना दी है, मतलब सेपरेट कर दिया है बालों को दोनों साइड से, और अभी करेंगे क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग में क्या होता है, एक मशीन के सहारे बालों को थोड़ा सा वेवी किया जाता है। देखिए जैसे स्ट्रेट हेयर करते हैं ना, क्रिम्पिंग में भी वैसे ही एक मशीन रहता है, उससे बालों को ऐसे ही क्रिम्प किया जाता है, छोटे 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 लेयर्स बनाया जाता है जैसे अभी बन रहा है। और मैं ये नॉर्मल कर रही हूँ, परमानेंट नहीं है, इसको नॉर्मल कर रही हूँ, इस मतलब ये वाला मुझे कितना दिन रहेगा ये मेरे बालों में, मैं नेक्स्ट वॉश हेयर वॉश जब तक नहीं करूँगी तब तक ये बाल ऐसे ही क्रिम्प होके रहेगा। हेयर वॉश करने के बाद ये फिर जैसे के तैसे हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे एक साइड का कंप्लीट हो चुका है, मैं दिखाऊंगी पूरा लुक आपको। ये एक नया चीज़ मैंने करवाया, पहले बहुत जन करवा चुके हैं पर मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं जो की थी वो जोड़े बनाने के लिए की थी, जो ऑरेंज ब्लैक साड़ी की मेकअप ली थी। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखिए मुझे पता भी नहीं चल रहा था, एकदम 15-20 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत कम है, बहुत पतले हैं, इसीलिए जिनका लंबे हेयर्स होते हैं उनका थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे दो जन चाहिए रहता है ऐसे सेपरेट सेपरेट करके पकड़ते हैं, और एक जन को देखिए वो ऐसे क्रिम्प में अच्छे से कर रहे हैं, और बहुत केयरफुली करते हैं ये गर्ल्स लोग, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गर्ल्स, आप लोग मतलब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, स्पेशल थैंक्स मौसी को जो कि इतने अच्छे से सब चीज़ हमें बताते हैं, क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं, उसके लिए थैंक यू अगेन मौसी। और ये देखिए ये वाला मेरा कंप्लीट होने को आया है, ये वाला लुक्स देख के बहुत जन को अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा आप भी एक बार ट्राई करवा सकते हो, ये परमानेंट नहीं है, हेयर स्ट्रेटनिंग जैसे करते हैं क्रिम्पिंग भी वैसे, स्ट्रेटनिंग में बाल पूरा स्ट्रेट रहता है, इसमें थोड़ा सा वेवी रहता है। और देखिएगा अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक लुक्स दिखाऊंगी मैं। ये हो चुका है कंप्लीट, ये देखिए कैसा लग रहा है मेरे हेयर्स, क्योंकि मैंने कलर्स किया है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना मेरा बाल, जैसे लास्ट टाइम दिख रहा था दूसरा, इस बार दिख रहा है दूसरा। अभी ये देखिए आप चोटी बनाने से भी इसका लुक्स जो है ना बहुत अच्छा आता है, देखिए फ्लपी फ्लपी टाइप का जो हेयर का वॉल्यूम था वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये फेशियल के बाद मेरा स्किन देखिए विदाउट मेकअप, कुछ मेकअप नहीं ली थी मैं, और ये जब मैं क्रिम्पिंग के बाद मैं एक चोटी बनाई थी, बस आपको दिखा रही थी कैसा दिख रहा है, और अभी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। ये देखिए ये मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए उस टाइम का, और एक लुक मेरे हेयर का देखिए कैसा लग रहा है चोटी बनाने से भी, ऐसा चोटी मिस्टर पुरोहित को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनको अच्छा लगता है ऐसा। ये देखिए मेरे हेयर थोड़ा सा वेवी हो गया, क्योंकि वो मैं चोटी बना दी थी ना ऊपर, थोड़ा सा फोल्ड हो गया, कोई बात नहीं आप हेयर कॉम कर लेना वो ठीक हो जाता है। हाफ क्लॉचर लगाने से लुक्स ऐसे आ रहा है,
और चोटी बनाने से लुक्स ऐसे आ रहा है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वाला लुक ज़रूर बताइए। बस अभी निकलेंगे पार्लर से निकल के मैं जाऊँगी कुछ शॉपिंग करने के लिए। ओ शॉपिंग मतलब मैं युग के लिए कुछ लेना चाहती थी तो यहाँ पर हम आ गए थे। ये मैं आ गई हूँ कहाँ पर, ये वी मार्ट है शॉपिंग मॉल। और देखिए ये मैं इवनिंग में एक्चुअली आई हूँ, घर जाने के बाद इवनिंग में आई थी। देखिए इवनिंग में मुझे कुछ लेना था तो मैं बस एक लुक्स दिखा दे रही हूँ आपको, आप लोग देख लो वी मार्ट का विंटर का वहाँ पे स्पेशल सेल चल रहा है, अच्छा है बच्चे लोगों के लिए विंटर का। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें मैंने पार्लर का जो एक नया वाला चीज़ आपको दिखाया है, मेरे लिए नया है इसलिए मैंने दिखाया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग बस इतना, रखती हूँ, बाय।